क्रेडिट कार्ड क्या है? लेट्स फाइंड आउट. बेसिकली क्रेडिट कार्ड बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और बहुत ही बेकार चीज़ भी, दोनों भी बोलूँगा. अ ट्रैप है मेरे पास. HDFC है. क्या है सर? एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे जो कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उससे. आपके पास है? अभी मेरे पास नहीं क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी रही. व्हिच गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू सेव सम मनी इफ यू यूज इट इन अ राइट मैनर. व्हाट इज क्रेडिट कार्ड अकॉर्डिंग टू यू? इट्स समथिंग आई डोंट हैव बट आई वांट टू. क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है. सो वो लोन है भी और नहीं भी है. क्रेडिट कार्ड के बारे में सबने अपने अपने धारणाएं बना रखी है. जो हमने देखा, किसी ने बोला ट्रैप है, किसी ने बोला बहुत यूजफुल है, बट अभी तक हम ये समझ नहीं पाए कि आखिर ये होता क्या है. हमें ये चीज़ें ही बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, क्रेडिट कार्ड्स, बेनिफिट्स, दीज दैट, बट ऐसा नहीं है. क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये है क्या. बेसिकली ये एक फैसिलिटी है जहाँ पर आपको बिना किसी ब्याज के लोन मिलता है, इंस्टेंट लोन मिलता है, और आपके पास इसे रीपे करने के लिए 50 दिन तक का वक्त होता है. ऑल्सो ये एक प्री अप्रूव्ड लिमिट के अंदर होता है, मतलब आपके इनकम के बेसिस पर, मतलब आप जितना कमाते हो उसके आधार पर बैंक आपके लिए एक लिमिट सेट करती है, और उस लिमिट के अंदर आपको जितने भी इंस्टेंट लोन की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टेंट पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तब तो आप उसे अवेल कर सकते हो. अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड की, मैं तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ, या फिर मेरी एक फिक्स्ड इनकम है, रिच हूँ, मैं डेबिट कार्ड से ही खर्चे करूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी क्रेडिट कार्ड की. तो आप गलत है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से पैसे बना रहे हैं. हमारे ऑफिस में ही एक एग्जांपल है, अक्षित, जो कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे बना रहे हैं. जी हाँ, बना रहे हैं, गवा नहीं रहे, जो कि हमें अक्सर लगता है. बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो अक्षित की तरह ही मेरा एक दोस्त है राहुल, जिसे क्रेडिट कार्ड के बारे में पहले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी जानकारी नहीं थी. अब ऑफ कोर्स उसने मुझसे मुलाकात की, फिर मैंने उसे बताया कि जो ये 10,000 रुपए तू हर महीने खर्च करता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन उसकी जो मंथली कमाई है वो है 30,000 रुपए, और 10,000 रुपए की वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करता है थ्रू डेबिट कार्ड, UPI जो भी उसे लिंक कर, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फिक्स्ड है उसका लगभग 10,000 हर महीने का. अब बात ये होती है कि डेबिट कार्ड से जब आप खर्च कर रहे हो तो ऑफ कोर्स वो आपका पैसा है, बैंक में है, वो चला जा रहा है. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड से. क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो तो आपको बहुत सारे कैशबैक, रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स हैं. राहुल को जब मैंने ये बताया तो उसने बोला कि अरे यार मैं कैसे करूंगा, मुझे समझ नहीं आता, क्रेडिट कार्ड तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, रीपे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. फिर मैंने उसे सारी बातें समझाई जो आपने पहले सुना, कि कैसे ये 50 दिन का फ्री इंटरेस्ट पीरियड लोन है, ये वो सब कुछ बताया. फिर उसने यूज़ करने की शुरुआत की, और वो जो ट्रांजेक्शन्स डेबिट कार्ड से कर रहा था 10,000 की, वो 10,000 की ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट कार्ड से करने लगा. अब उसके पास 50 दिनों तक वो पैसे उसी अकाउंट में रहते थे, और ऊपर से जब वो ट्रांजेक्शन्स करता था क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो उसे कैशबैक्स मिल रहे थे, रिवॉर्ड्स मिल रहे थे. एक साल बीत गया, एक साल के बाद मेरी मुलाकात उससे दोबारा हुई. जब उससे मैंने पूछा कि क्या हाल है भाई, तो उसने बोला कि सब सही है, बस माँ को कुछ ना कुछ हमेशा गिफ्ट करते रहता हूँ, क्योंकि मैं हर साल 5,000 रुपये बचा रहा हूँ, जो तुमने बताया था कि 10,000 रुपये की पेमेंट मैं डेबिट कार्ड के बजाय क्रेडिट कार्ड से करूँ. तो फिर मैंने बोला कि चलो सही है. तो उसने बोला कि भाई फैमिली में खुशियां हैं, इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है वो. तो मैं थोड़ी इमोशनल सी हो गई. फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, थोड़े से और इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती हूँ और फिर मैं अपने वीडियो में बता दूँगी. तो उससे मैंने पूछा कि और क्या क्या फ़ायदे हुए, तो उसने बताया कैशबैक्स मिले, रिवॉर्ड्स मिले, और वो जो कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलते थे उसको मैं सही जगह इस्तेमाल कर लेता था, और कुछ ना कुछ पैसे जो है मैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स में डाल देता था, तो इस तरह से मैं पैसे बना रहा हूँ. तो फिर मुझे समझ में आया कि जब कोई बंदा इतनी कम सैलरी में भी पैसे बना रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो फिर आप किस बात की वेट कर रहे हो. वहीं उसने यही चीज़ अपने बॉस को बताई. अब भाई बॉस तो पैसे वाले, उनके खर्च थोड़ी ज़्यादा है, 50,000 रुपये हर महीने वो खर्च करते थे, और इस तरह से वो भी 25,000 तक लगभग हर साल बचा रहे थे, उसको किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल लिया और पैसे के पैसे बना रहे. तो बॉस भी पैसे कमा रहा, एम्प्लॉय भी पैसे कमा रहे. तो अब दोनों की ही जिंदगी, राहुल और उसके बॉस की, सही ट्रैक पर चल रही होती है, सब कुछ सही होता है. लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो होना ही है. एक ट्विस्ट ये आता है कि राहुल का छोटा भाई कॉलेज पहुंचता है, और 2 दिन के बाद ही उसे कॉल करता है कि उसे ठीक 2 दिन में लैपटॉप चाहिए. भैया सुनो,
मेरा सेमिनार है, प्रेजेंटेशंस देने हैं, मुझे परसों के परसों लैपटॉप चाहिए, आई डोंट नो तुम कैसे करोगे, मुझे चाहिए। बेचारा राहुल बड़ा भाई है, सोच में पड़ जाता है कि अब मैं करूं क्या, कहां से पैसे लाऊं और 30,000 रुपए इंस्टेंटली कहां से पे करूं। फिर उसने मुझे फोन घुमाया, मैंने बोला क्रेडिट कार्ड है तेरे पास, यूज कर ले या फिर उसे नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट करा दे। जी हाँ, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स नो कॉस्ट ईएमआई भी प्रोवाइड करते हैं और वहां पर आपको लगभग 1-2% का कैश बैक भी मिलता है। उसने बस वही किया और नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट कराकर उसने अपने भाई को लैपटॉप गिफ्ट कर दिया। उसके भाई की भी जिंदगी सवर गई, भाई पढ़ाई उसने की, सेमिनार में बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दिए और इस तरह से राहुल की जिंदगी जो है सिंप्लीफाई होती गई वन बाई वन। तो राहुल की कहानी ट्रैक पर आ चुकी है, जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं वो उसे आराम से हैंडल कर रहा है क्योंकि अब वो क्रेडिट कार्ड को वाइजली यूज करना जानता है। ये आप भी कर सकते हो। और रही बात हिडन चार्जेस और ट्रैप जैसी बातों की, तो ये तब होता है जब आप इसे समझ नहीं पाते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। ये सही है या गलत है ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आपके पास नॉलेज है या नहीं उसे यूज करने का। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको पता है कि आपको कहाँ आना है। बैंक साथी प्लस पर सब्सक्राइब।